अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवनी में ट्रैवल ड्राइवर की हड़ताल खत्म। भारत सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर के वाहन चालक गुस्से में है। इस कानून के विरोध में 3 जनवरी के रोज ट्रैवल ऑपरेटरों की हड़ताल बुलाई गई थी, लेकिन 2 जनवरी को केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के सचिव ने कहा कि इस कानून को लागू नहीं किया गया है, इसलिए ट्रैवल ड्राइवरों ने हड़ताल फिलहाल में वापस ले ली है। लेकिन सरकार को इस कानून को अब और लागू नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने इस कानून को लागू करने की कोशिश की तो एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। और ये चेतावनी ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष समानाथ काले इन्होंने परभनी में कहते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। ट्रैवल्स चालक, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी जीप चालक संघटने ने आम्ही आज नियोजित धरने आंदोलन होतं, परंतु ज्या मुद्द्यासाठी ते आंदोलन छेडण्यात आलं होतं तो हिट आणि रनचा जो कायदा आहे तो केंद्र शासनाचे गृह विभागाचे सचिव श्री भल्ला यांनी काल अधिकृतपणे घोषणा केली की हा कायदा लागू करण्यात येणार नाही। त्यामुळे आज आम्ही जो संप केलेला आहे तो संप आज आम्ही परत घेत आहोत, परंतु आम्ही आज शासनाला परत एकदा सुचवितो की जर हा कायदा तुम्ही परत लागू करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही परत रस्त्यावर येणार। त्यामुळे आज मी सर्व ड्रायव्हर बंधू असतील, आमचे ऑटो चालक बंधू असतील, बस मालक असतील, टॅक्सी चालक असतील या सर्वांना विनंती करतो की आज आपण हा आपला संप मागे घेतलेला आहे, आपण पूर्ववत आपल्या कामावर रुजू व्हावे एवढी माध्यमांच्या माध्यमातून मी विनंती करतो। परभणी शहर के सोना बिल्डर्स के सर्वे सर्वा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हबीब अहमद हम्मू चाउस इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट पदवी प्राप्त होने पर कांग्रेस के जिला महानगर अध्यक्ष नदीम इनामदार इन्होंने छोटे हानी हम्मू चाउस इनका सत्कार नदीम इनामदार इनके शहर के कादरावत प्लॉट स्थित कार्यालय में किया गया। इस समय पूर्व नगर सेवक शेख अहमद भाई, पूर्व नगर सेवक अतिक सेठ इनामदार, पूर्व नगर सेवक मुहिमुद्दीन काजी, विशाल बुधवंत, असलम खान, कौसर नोमान हुसैनी आदि मान्यगणों के साथ हम्मू चाउस इनके चाहने वाले हाजिर रहकर उन्होंने मुबारकबाद देते हुए आने वाले भविष्य में तरक्की करने की दुआएं की। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासी, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के परीक्षा में अच्छा रिस्पांस। 56 सीटों के लिए परीक्षा आज। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के कुल 60 पदों के लिए तारीख 3 जनवरी 2023 के रोज आवेदन शुरू हो गए हैं। 60 पदों के लिए 9000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दाखिल किए हैं और कल गुरुवार 4 जनवरी के रोज जिला वक्फ अधिकारी के 25 जगहों पर और कनिष्ठ लिपिक 31 जगहों के लिए राज्य के 40 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले कई वर्षों से वक्फ बोर्ड में भर्ती नहीं होने के कारण कार्य में दिक्कत आ रही थी। इस भर्ती के लिए हरी झंडी तो मिल गई, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण भर्ती नहीं हो पाई। इस बीच जैसे ही बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार मोइन तहसीलदार इनके पास आया, उन्होंने सरकार से बातचीत कर भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाया। पहले चरण में 60 पदों में से जिला वक्फ अधिकारी 25 जगहों पर और कनिष्ठ लिपिक 31, इसके साथ कानूनी सलाहकार 2 और कनिष्ठ अभियंता 1 और आशुलिपिक 1 पद भरे जाएंगे। आज बुधवार को पहले सत्र में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में कानूनी सलाहकार और जूनियर इंजीनियर पद के लिए 277 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 172 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। दूसरे शब्दों में कहे तो 62% उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। दूसरे सत्र में स्टेनोग्राफर पद के लिए 113 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन किया था, जिसमें से 81 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, यानी अभ्यर्थियों में की संख्या 71% रही। संभावना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला वक्फ अधिकारी और जूनियर क्लर्क परीक्षा कल 4 जनवरी के रोज आयोजित की जाएगी। 4 जनवरी के रोज जिला वक्फ अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक उम्मीदवारों की परीक्षा होने के कारण उम्मीदवार परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में हाजिर रहेंगे। ऐसी जानकारी देते हुए इच्छुक परीक्षार्थियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में परीक्षा दी जाए और ऐसा मौका ना गंवाए, ऐसा आह्वान बोर्ड की ओर से किया गया है। राज्य के 40 शहरों में परीक्षा।
सोलापुर केंद्र में बदल। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के परीक्षा को राज्य समूचे राज्य में उम्मीदवारों के अच्छा प्रतिसाद मिलने के कारण ऑनलाइन परीक्षा IBPS इस संस्था की ओर से ली जा रही है। 40 शहरों में से सोलापुर डिजिटल हब गट नंबर 72/B1/2A प्लॉट नंबर 39 टोल प्लाजा सोलापुर बारसी भोगाव इस केंद्र पर परीक्षा होने जा रही है। केंद्र के परीक्षार्थियों ने वहां पर जाए और अपना परीक्षा दे ऐसी अपील की गई है। परभणी जिले के कर्तव्य अध्यक्ष SP राग सुधार मैडम इनके आदेश के तहत 3 जनवरी 2024 के रोज LCB शाखा के एक पथक परभणी शहर में और एक पथक जिंतूर में अवैध धंधों की जानकारी के मामले में जानकारी जुटाने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी समय उन्हें गुप्त जानकारी मिले कि परभणी शहर में 2 और जिंतूर में 1 ऐसे कुल 3 तलवारें जब्त किए गए हैं। LCB शाखा के एक पथक ने परभणी शहर के पेट्रोलिंग करते समय गोपनीय जानकारी मिलने पर पुलिस थाने कोतवाली हद में रोशनी नगर ST वर्कशॉप के पीछे सिकंदर खान हुसैन खान पठान उम्र 20 साल रोशनी नगर परभणी इसके पास दो तेज तलवार है। इसी को देखने के लिए वहाँ जाल बिछाते हुए उसके पास से 2 तलवारें 70 सेंटीमीटर लंबी की तलवारें जब्त की गई है। गैर कानूनी तौर पर तलवार इस्तेमाल करने के खिलाफ में भारतीय हथियार कानून 4 और 25 के तहत कार्रवाई करने के लिए कोतवाली पुलिस थाने में हाजिर किया गया है। LCB के एक पथक ने जिंतूर शहर में पेट्रोलिंग करते हुए उन्हें गुप्त जानकारी मिलने पर किरण उर्फ बंडू काकड़े उम्र 26 साल रहने वाला सिद्धार्थ नगर जिंतूर के हफ्तेर बाजार जिंतूर में खड़ा हुआ है उसके पास एक तलवार है। ऐसी स्थानीय अपराध शाखा को जानकारी मिलने पर उस पर जाल बिछाते हुए उसे हिरासत में लेकर उसके पास से 72 सेंटीमीटर लंबी तलवार जब्त की है। इस मामले में गैर कानूनी तौर पर उसके पास हथियार तलवार इस्तेमाल करने के खिलाफ में भारतीय हथियार कानून कलम 4-25 के तहत अपराध दाखिल करते हुए जिंतूर पुलिस थाने में तलवार के साथ उसे हिरासत में दिया गया है। ये कार्रवाई जिले के SP राग सुधार मैडम और एडिशनल SP यशवंत काले इनके मार्गदर्शन पर PI वसंत चौहान PSI अजीत बिरादार कुनाथ वागमारे पुलिस अमलदार बाला साहेब तुपसुंदरे रवि कुमार यादव जय श्री आवाड दिलावर खान पठान शेख रफियोद्दीन नीलेश परसोड़े राम पौल सिद्धार्थ चाटे नामदेव डूबे स्थानीय कपड़ा शाखा के और पुलिस अमलदार किशोर कौटेकर जिंतूर इन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। 2 जनवरी पुलिस स्थापना दिन के अवसर पर जिले के SP राग सुधार मैडम इनके मार्गदर्शन में उन्होंने परभणी जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में और पुलिस मुख्यालय, शहर यातायात शाखा, आतंकवाद विरोधी शाखा, साइबर पुलिस स्टेशन, स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों और इसके अलावा धार्मिक स्थलों का दौरा किया। नागरिकों को और छात्राओं को साइबर के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने 2 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य पुलिस की स्थापना दिवस के रूप में मान्यता दी है। इस दिन को मनाने के लिए जिले के SP राग सुधार मैडम इन्होंने 2 जनवरी 2024 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक समूचे जिले में पुलिस स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें तारीख 5 जनवरी 2024 के रोज पुलिस ग्राउंड में शस्त्र प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा तो 7 जनवरी के रोज पुलिस बैंड द्वारा मार्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों को पुलिस स्टेशन संचालन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन पुलिस सहायता टोल फ्री नंबर 112, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, मोटर अधिनियम, बाल श्रम कानून, यौन शोषण के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया का दुरुपयोग से बचे और सोशल मीडिया का उपयोग में सावधानी बरते, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करते समय सावधान रहे, धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों के शिकार ना बने, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, अज्ञात लिंक से कोई सॉफ्टवेयर
डाउनलोड ना करें, और यदि आप ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डेबिट का क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो कृपया व्यवसाय के संबंधित किसी भी मामले के लिए अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करें। साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 इनसे संपर्क करें, ऐसी अपील की गई है। ये अपील छात्राओं के माध्यम से जगह जगह पर, चौराहों पर, चौक में और यातायात की जगहों पर इस बात की जानकारी देने के लिए छात्राओं के पथक के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हरनिया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। परभणी जिला परिषद के शिक्षा विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, आदर्श विद्यालय पुरस्कार एवं मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासन के परिपत्रक में दिए गए दिशा निर्देशों के ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय चयन समिति की वर्ष 2023 और 24 के लिए 9 प्राथमिक एवं 2 माध्यमिक शिक्षकों के साथ कुल 11 शिक्षकों को चयन किया गया। साथ ही मुख्य मार्गदर्शक के रूप में स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर महेश जोशी हाजिर थे। गणेश शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, परियोजना निदेशक रश्मि खांडेकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन ओम प्रकाश यादव, संदीप घोंसीकर, विशाल जाधव, प्रिंसिपल अनिल मुरकुटे, मुख्य लेखा और वित्त अधिकारी सचिन कवाटे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी राहुल गीते, कार्यकारी अभियंता धोंडीराम उदान शिवे, नामदेव गागाव, गीता गुट्टे, दिनकर घुगे, अशोक भांगीरे, दीपक सामले, वी के मुंडे अन्य प्रमुख रूप से हाजिर थे। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर गणेश शिंदे, संजय ससाने, माधव सालगर ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिला परिषद के शिक्षक हाजिर थे। भाग्यलक्ष्मी लॉन्स परभणी या ठिकाणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या वतीने जिल्हाभरातील एकूण प्रति तालुक्यात एकूण नऊ प्राथमिक शिक्षकांना, 2 माध्यमिक शिक्षकांना व राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त अशा 4 शिक्षकांना, अशा 15 शिक्षकांना या ठिकाणी पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडत आहे। या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी शुभेच्छा संदेश सर्व शिक्षकांना दिलेला आहे। त्याचबरोबर माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख, त्याचप्रमाणे आमच्या विभागाच्या विभागीय सचिव, महाराष्ट्र शासनाचा जो SSC व HSC बोर्ड आहे त्याचे विभागीय सचिव आदरणीय डॉक्टर वैशाली जामदार मॅडम यांनी या ठिकाणी उपस्थित होत्या। एक सुंदर असा सोहळा शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि त्या ठिकाणी शिक्षकांना सन्मानित केलं जातं। आपण जी पुरस्कार योजना या ठिकाणी राबवलेली आहे यामध्ये राज्यशासनाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाने जे शासन परिपत्रकानुसार निकष दिले त्याच धर्तीवर आपण ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे। राज्याने जे निकष ठेवले त्याच धर्तीवर जिल्हा स्तरावर शिक्षकांची निवड केलेली आहे। परंतु त्याचबरोबर मला हे या माध्यमातून सर्व इतर शिक्षकांना हे निमित्त मात्र प्राथमिक स्वरूपात आपण पुरस्कार वितरण केले आहेत, पण जिल्हाभरामध्ये असे प्रयत्नवादी चांगले प्रयत्नशील शिक्षक आहेत त्यांना या निमित्ताने मी एवढंच आवाहन करू इच्छितो की आपला जिल्हा येणाऱ्या काळामध्ये 2025 राष्ट्रीय संपादन सर्वेक्षणामध्ये पहिल्या 5 येण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावे आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आपण प्रयत्नशील व्हावे। धन्यवाद। परभणी शहर के डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतले के इलाके में गायरान विषय के संदर्भ में महत्वपूर्ण बैठक रिपाही आठवले गट के राज्य संगठन DN दाबाड़े इनके नेतृत्व में गायरान विषय को लेकर, इसके अलावा अन्य विविध मांगों के साथ 23 जनवरी 2024 के रोज मोर्चे के संदर्भ में आज तारीख 3 जनवरी 2023 के रोज बैठक आयोजित की गई। राज्य के संगठक DN दाबाड़े, महाराष्ट्र संगठक जयप्रकाश इंगोले, महिला नेता रानूबाई वायवळ, ज्येष्ठ नेता लक्ष्मण बनसोडे, माधवराव हातागळे, शहर अध्यक्ष भगवान कांबळे, जिला सरचिटणीस शशिकांत गवळी, तहसील अध्यक्ष गंगाखेड दीनबंधू हत्ती अंबिरे, पूर्व नगरसेवक अब्दुल भाई,
तहसील अध्यक्ष पूर्णा पांडुरंग हिरे, जिला उपाध्यक्ष विठ्ठलराव उजागरे, तहसीलाध्यक्ष मानोद दियन झोड़पे, भीमा मकासरे, सतीश शिंदे, पूर्व नगर सेवक बाबा मियाँ शेख अब्दुल, इनके अलावा रिपाही आठोले गट के सभी जिले के पदाधिकारी इस बैठक में हाजिर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया च्या वतीने एक छोटे खाने या ठिकाणी बैठक आयोजित केली आहे आणि या बैठकीमध्ये असं सर्वानुमते ठरलेलं आहे दिनांक 23 जानेवारी रोजी विविध प्रश्नावर आता सर्वांच्या अन्याय अत्याचारावर महात्मा फुलेंच्या कर्ज माफीचा असो किंवा ॲट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा असो या संदर्भात एक भव्य अशा मोर्चाचं आयोजन या ठिकाणी या बैठकीमध्ये ठरलेलं आहे आणि जास्तीत जास्त लोक कशी या बैठक म्हणजे मोर्चात सहभाग नोंदवतील यासाठी विचारून व्यवस्थितपणे या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे। हमारे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी न्यूज आप तक पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।